ये लो पकड़ो एक मिनट आ गया नहीं 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 देखो बाबू वापस ले आओ ए ड्रोन जल्दी आओ जस्ट क्विकली लेट्स गो टू ग्रीन हाउस क्विकली लेट्स अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन दिस इज माय नेम इज एयर दिस इज यासर दिस इज सोफिया यस टुडे वी डिडंट डू अ रेसिपी अगेन आई टोल्ड सेड लास्ट टाइम वी गो बैक टू रेसिपीज लेकिन यासर केम बैक फ्रॉम बाकू लेट तो थोड़ा सा वो नहीं हुआ शी इज वेरी अपसेट दिस इज व्हाट यू ऑल आर फीलिंग आई एम श्योर एट द फैक्ट दैट देयर इज नो रेसिपी वीडियो लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक वी विल हैव अ रेसिपी दिस इज जस्ट सम एक्स्ट्रा क्लिप्स जो हमने रिकॉर्ड किए थे ओवर द लास्ट फ्यू एपिसोड्स दैट इट बी कट वेरी अपसेट Very upset. I'm sorry, we'll have a recipe video next time. वरना आपकी आवाज भी नहीं आती है क्लियर ना आप बोलते बहुत हल्के आवाज में तो इसने अगर मैंने ऐसे ही बोलना है तो इसको ऑलरेडी थोड़ा फ्रेम में कर दें उसको नीचे नहीं और कोई चीज अदीब भाई नहीं यार कुछ भी चलें आप बैठे और आप बाय द वे ब्रोकली डालते हैं अपने देखें ना यही तो है शिल्पा की खासियत शिल्पा जो है वो डालती है ब्रोकली क्योंकि शी लाइक्स टू मेक इट मस्त मस्त ब्रोकली तो नई चीज है ये तो पाकिस्तान में थी नहीं कुछ एग्जैक्टली ये तो अभी ताजा जो कुछ चीजें आई है ना यस जस्ट लाइक सुशी सुशी ये अभी ताजा दीप आई हैड अ बिग रेंट टू मी द अदर डे अबाउट सुशी या व्हाई व्हाट डिड ही से दस साल और दें लोग सब टाको टाको कर रहे होंगे आप ठीक है फिर आप 10 साल और दें तो अगली चीज क्या आएगी सो मैं यही कह रहा हूं कोई सिर्फ दाल होगा फिर नहीं फिर कोई चाइनीज चीज आ जाएगी बिल्कुल आ ठीक है लाइक बैट या ऑक्टोपस अच्छा अगर 10 साल में अगर आपकी एज 30 है या 26 है हाउ कैन इट बी योर फेवरेट डिश ना ये तो अभी पाकिस्तान में अभी आई है आपको मैक्सिमम 2-3 साल पहले आपने खाई होगी हां सही बात है ठीक है ठीक है और 2-3 साल में आपकी इतनी अच्छा तो आपको मतलब कि उन लोगों से मसला है जो कहते हैं ओ माय गॉड सुशी इज माय फेवरेट हालांकि सुशी आया ही कोई तकरीबन 4 साल पहले पाकिस्तान में है तो अगर वो इतने बूढ़े हो गए अब और अभी वो कह रहे हैं सुशी भाई तो सारी जिंदगी उन्होंने खाया क्या एग्जैक्टली पहले क्या खा रहे थे मुझे ये सारी चीजें पसंद है ठीक है मैं खुद अच्छा एक फूड लवर हूँ आई नो दैट लेकिन ये जो अर्बनाइजेशन का कल्चर है कि आपको दुनिया की हर चीज आपके शहर में मिलेगी फॉर दिस वी आर पेइंग अ ह्यूज कॉस्ट अगर आप जाके हम तो यहाँ बैठ के सुशी खा रहे हैं लेकिन जिस समंदर से वो निकल रही है या जो जिस समंदर में हम फिशिंग कर रहे हैं वी आर नॉट पेइंग एनी अटेंशन टू द सी एंड टू द सी लाइफ ये तो जो सुशी वाला जो फिश होता है वो तो सारा इंपोर्ट होता है यही कह रहा ना फ्रोजन सो हाँ तो अब ऐसा है कि यहाँ पे जापान की भी चीज मिल रही है चाइना की भी चीज मिल रही है मैक्सिकन भी मिल रही है विच इज ये कहाँ से है विच इज फाइन ये हो सकता है सैलकोट में बना उसके ऊपर ठप्पा से बार कर सो Which is good. आपको दुनिया की सारी चीजें मिलनी चाहिए, चाहिए हाँ. लेकिन ये अर्बनाइजेशन के कल्चर में हम इतने ज्यादा हो गए हैं कि वी आर नॉट पेइंग अटेंशन ये चीजें हम तक पहुंच कैसे रही सो थोड़ा सा उस डाइट को भी फोकस करें जो आपके रीजन में उगती है बिल्कुल आपके एरिया में बिल्कुल ये पालक पता है कहाँ पे उगी है ये हमारी देसी डिश है हमारे बेदिया से मैं लेकर आया यस दिस इज फ्रॉम बेदिया यू वांट सम हाँ ले जाए अगर आई अप्रिशिएट सुशी लेकिन अगर आप अपने घर में थोड़ी बहुत एक किचन गार्डन करें या थोड़ी बहुत इस तरह की चीजें भी उगाएं जी अपने क्लाइमेट के ऊपर भी तवज्जो दें दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट क्योंकि वेरी गुड पॉइंट यही रहना है हमने समंदर में जाके सुशी के साथ नहीं रहना सलीमी पता है एक्वामैन कहां से आया है असल में वो पानी से आया है वो एक सुशी उसने वो सुशी खाता था पानी के अंदर ही बैठ के एक्वामैन इज गुड एक्वामैन इज ओके ही कैन टॉक टू फिशेस शार्क्स को वो ही कैन टॉक टू फिश Sharks assassinate करते हैं लोगों को वो कहता है यार जाके उसको मार दो समझ नहीं He can talk to fish. He can talk to fish and command. अमिताभ बच्चन वो अजूबा फिल्म में वो डॉल्फिन से आपको याद है उसकी माँ होती है Have you seen? I've not seen अजूबा आप कौन है अजूबा आपने मेरी जान बचाई उसका बहुत बहुत शुक्रिया एक्वामैन जो है ये चोरी हुआ है वो अमिताभ बच्चन को पाला होता है डॉल्फिन ने मैं ये मासूम बच्चा तुम्हारी अमानत समझ कर पा तो वो ना यू लंबा अमिताभ नहीं नहीं वो जब छोटा होता है 10 फुट टॉल है तो जब वो बड़ा भी हो जाता है ना तो वो समंदर में जाके कहता होता है मां
और फिर समंदर में से एक हालांकि वो डॉल्फिन बुड्ढी नहीं हुई अम्मी हो सकता है डॉल्फिन की तो डॉल्फिन का यू कांट सी देम एज उनकी तो स्किन ऐसे चमकती है किसी शार्क ने भी नहीं शिकार किया बार अमिताभ बच्चन की जिंदगी में 150 रोले चल रहे थे डॉल्फिन सिर्फ साहिल पे आती थी मां ये एक मछली है तुम इसे मां कहते हो इस मछली को वैसे डॉल्फिन पे अटैक तो नहीं होता लेकिन शार्क्स का होता है परवाने को आग से Don't do it. Find another lamp. No. आग से आग से इतनी खतरनाक चीज से परवाने को क्यों प्यार होते हैं बस आशिक ऐसे ही होते हैं ना उनको आशिकों को जो है खतरे से डर नहीं लगता आपने नहीं सुना गालिब ने कहा इश्क आग का दरिया है और कूद के जाना है सो आशिक लव लाइक एडवेंचर दे एंजॉय द हां हां जब तक द रिस्क टेकिंग रिस्क लाइफ लिविंग ऑन द एज लाइफ फियर पूरा तो ऐसे ही है सारे आशिक आपको पता है इनमें मरे ही है ना यस हां यस तो देवदास मर जाता है ते देवदास तो चलो पी के मर जाता है उसको तो रोमियो मर जाता है बाकी हां उसको ब्रूटस मार देता है नहीं रोमियो को नहीं वो सीजर को रोमियो को तो रोमियो मारता है व्हेन ही टेक्स द पॉइजन फॉर द जूलियट बिकॉज़ वो सोचता है कि जूलियट मर चुकी है लेकिन फिर जूलियट उठती है तो देखती है रोमियो मर गया तो जूलियट भी अपने आप को मार देती है ये सारे परवाने हैं क्या दिल भाई ये सब परवाने ओह माय गॉड लेकिन इनको शम्मा ने नहीं मारा इनको आप जैसा कोई बंदा जो पीछे उन्होंने क्रिंग क्रिंग करके मार दिया क्रिंग क्रिंग का क्या मतलब नहीं वो जो चीजों से मार देते हैं कीड़े नहीं मारने चाहिए हम लोग ठा ठा करके जो आप कहते हैं मॉस्किटो मारते मारते परवाना भी कत्ल हो जाता है मैं तो अपने हाथों के साथ मॉस्किटो मारता हूँ दी भाई मच्छरों अब आओ और गलती से बीच में कभी कभार परवाने आ जाते नहीं, हैं परवाना और बहुत मुझे इतना अफसोस होता है कि मुझे परवाने को मुझे परवाने को मारना परवाना एक आशिक है उसको आपने उसको नहीं मारना उसका आपने इश्क देखना जब भी वो इसके गिर्द मंडला रहा हो और उससे इंस्पिरेशन लेनी है अदी भाई थैंक यू थैंक यू Whenever my dad calls me, the one habit that I don't like is वो करते क्या है वो कॉल करते हैं फिर वो कहते हैं एक सेकंड होल्ड Like why did you call me अगर उसी वक्त एक सेकंड होल्ड अच्छा then he's gonna take the next 1.5 minutes just to plug in his head thingy count that 90 seconds it took him to plug on the hands free and put it in his ear and then he says okay yeah sir now talk और जैसे ही उनको कोई कॉल जब we're in mid conversation ना जैसे ही उनको एक कॉल किसी भी आएगी ना कोई भी हो इट डजंट मैटर दे विल ऑलवेज हैव प्रायर लाइक फट से आई वोंट इवन गेट लाइक अ एक सेकंड होल्ड करो एंड देन लाइक ही विल स्विच नो ठक उसी बार एंड आई एम लाइक हेलो हेलो प्लीज होल्ड यू आर ऑन होल्ड 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 एंड देन एनीवेज दैट वाज माय लिटिल रैंट कीप इट सिंपल सर्वाइवर A Creedish death cult. There are cults like that, right? Of course there are. So many cults are out there. You know that Netflix documentary, Kya Naam Tha Uska? Where the family kills themselves. The Indian family? The Indian family, yes. Have you ever seen that cult, jo Nike shoes pehen ke apne, they killed themselves because they said ke there's gonna be a comet. एक कॉमेट आएगा और कॉमेट्स का क्या होता है कि इट्स अ गोल ना और उसके जैसे वो ट्रैवल कर रहा होता है तेजी से या मीटियोरॉयड टिक लगता है तो उसमें उसका एक टेल होता है ना सो द नाइकी इज सपोज्ड टू बी लाइक अ शूटिंग स्टार दे कॉल देमसेल्व्स हेवन्स गेट अ कल्ट स्टार्टेड इन द 70s बाय अ मैन नेम्ड मार्शल एप्पलवाइट Doe became convinced the comet was the sign to shed their body. So we all have to wear Nike shoes and then we wear tracksuits that are also Nike and then we all... And that's what they did. That's nuts. They actually... And the head guy also did. And the head guy said, when we all ourselves, so we will all travel together in that comet's tail. We are going to be part of that and we're going to go and we're going to hit the earth or something like that. I don't remember the full details. In order, in rank order of their appearance, objectifying them completely. I will go number one, Sarah Yusuf. Okay. Number two, Sadaf Kawal. Sadaf ke baare mein main ek kahani batana chah raha hu. Oh, bataye. I watched that Jito Pakistan wala segment. Please welcome Sadaf Kawal. आराम से आना
आराम से आना, आराम से आना सदफ। एंड आई वाज लाइक यार सदफ ने एक्टिंग में और क्या किया था उसमें, बिकॉज़ आई रिमेम्बर शी डिड अ टेलीफिल्म विद शेरोस। अरे दफा करो, तुम ये बताओ तुम क्या कह रहे थे? मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई साजिश हो रही है हमारे खिलाफ। साजिश? कैसी साजिश? सो आई वेंट इनटू माय रैंडम दैट वाला कीड़ा ना के यार मैं अब कुछ फन देखना चाह रहा हूँ। तो आई वाज लाइक सदफ कवर टेलीफिल्म, इट्स बेस्ड अराउंड द लॉकडाउन टाइम एंड इट्स one of the most ridiculous telefilms or yeah. any pieces of content I have seen in my life. Nice. In my life. ये बंदा randomly shopping के लिए जाता है, मिनाल से मिल लेता है, मिनाल से मिलके जो है उसकी पहले एनिमोसिटी होती है और रैंडमली वो अपना क्रेडिट कार्ड ड्रॉप कर देती है और वो उसको वापस कर देता है जाके कॉफी शॉप में, तो दोस्ती बन जाती है, नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं, रैंडमली बातें शुरू हो गई हैं। ऑल द वाइल वी रियलाइज के इस बंदे की शादी हुई है वे सदफ से, और फिर बाद में जो है ये बंदा जो है ना शॉपिंग के दौरान इनके बैग्स एक्सचेंज हो गए इस बंदे के और मिनाल के, तो ये जाता है कहता है कि मैं मिनाल को वापस उसका बैग देने जा रहा हूँ। वो मिनाल जो है रैंडमली जो है अपने गार्ड्स को जो है एस्केप करने की कोशिश कर, बिकॉज बड़ी ये एक वडेरे की बेटी है, पॉलिटिशियन की बेटी है जिसके गार्ड्स हैं, और ये कहती है मुझे गार्ड्स नहीं चाहिए, आई वॉन्ट माई फ्रीडम, शो शी ट्राइंग टू एवेड हर गार्ड्स एंड ऑल द वाइल शी टेक्स दिस गाय अलोंग इन द कार के जल्दी जल्दी गाड़ी में घुसो गाड़ी में घुसो, ही इज कम टू ब्रिंग द बैग, गाड़ी में घुस जाता है, देयर ड्राइविंग अराउंड एंड देन ऑल ऑफ अ सडन देन शी इज लाइक ओह यू आर इन ट्रबल, माय गार्ड्स हैव सीन यू, माय फादर इज गोइंग टू वंडर वेयर हु यू आर एंड ऑल, हमें शादी करनी होगी, शादी कर लेते हैं कोर्ट रूम जाके। ओए तू देख रहा है शादी हो गई है, शादी हो गई है, शादी इन वन डे हो गई है इमीडिएटली। मैं अपने बाबा की इकलौती बेटी हूं। अरे आप इकलौती बेटी हो, मैं तो नहीं ना, मुझ मासूम से आपने जबरदस्ती शादी कर ली। ऑल द व्हाइल शी डजंट नो ही इज ऑलरेडी मैरिड एंड ही डजंट हैव द बॉल्स टू राइट नाउ इवन से के यार आई एम मैरिड बाय द वे। तुमको मालूम है ये शादीशुदा है? शी इज लाइक हाउ कैन यू डू दिस धोखा टू मी, यू आर मैरिड? धोखा दिया मुझे? नहीं, पहले क्यों नहीं बताया कि शादीशुदा हो? खुदा की कसम मौके नहीं मिला, मैं तुम्हें बताना चाहूंगा। हाउ डेयर यू, माय फादर विल फाइंड आउट एंड ही विल किल यू। इसने तुमको धोखा दिया कि नहीं? ही इज अ बिग टाइम पॉलिटिशियन, ही इज अ दिस, ही इज अ दैट एंड एवरीथिंग एंड ही विल किल यू। मार। कहानी में ट्विस्ट आती है कि सदफ की माँ, मेरे ख्याल से सदफ की शादी हुई है ना इमाद से, सदफ की माँ भी पॉलिटिशियन है। टीवी ड्रामों की हीरोइन बनने की कोशिश मत करना मेरे सामने। Point is, it's like the most ridiculous story ever. And ending में क्या होता है कि अच्छा शादी तो मेरी हो गई असफर से, क्या बेटे को वापस दे रहे हैं, and the mother is like, by the way, no, we can't meet. We are gonna keep your daughter with us, and we're gonna keep all us ladies together because we have all gotten corona. क्या मतलब? मतलब ये कि हम सब का corona positive आया है। The most ridiculous ending. Wow. Okay. I don't even know if I told it right, but this is the story. I am not exaggerating. This is the story. और मैं आप लोगों को बता दूं, असफर ने किसी के साथ कोई बेवफाई नहीं की है। वो तो हमारे शॉपिंग के बैग एक्सचेंज हो गए थे। वो रिटर्न करने के लिए आया, बाबा ने देख लिया। बाबा ने देखा तो पता नहीं क्या समझा, ये सब कुछ हो गया। This is what you guys are watching in the millions. It has millions of views on YouTube. वो बहुत अच्छे इंसान है और मुझे नहीं पता था कि वो मैरिड है। अगर वो मैरिड ना होता तो फिर नहीं छोड़ती। दिस इज व्हाट द ऑडियंसेस आर वॉचिंग एंड दे आर एक्सेप्टिंग। डैम, आई डोंट लव हिम, प्रोबेबली जस्ट यू नो आई लाइक हिम, दैट्स इट। ओके, अच्छा जी, आई डोंट थिंक अ लॉट ऑफ दिस इज गोना गो इन। नो, वी विल सी, व्हाटएवर इब्बी फाइंड्स इंटरेस्टिंग। लेट्स गिव अ शाउट आउट टू इब्बी। Shout out to you, Abhi. Shout out to Abhi. Good job. He's learnt and implemented and become an expert at editing Cooking Chaos. Yes. Just. Which we thought was going to be extremely difficult to find anybody else who could edit like us. But I guess it's not. Even Abhi can do it. I'm so sorry. The
last word is crying emoji. Everybody put crying emoji. Okay, go. Bye. Hope you enjoy. Please like, subscribe, share. Hope you enjoy this episode. Goodbye.